ओके, अब नाइट्रेट आयन के बारे में बात करते हैं। नाइट्रेट आयन के केस में सारे के सारे जो भी टेस्ट, पहली चीज तो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से HNO3 बनेगा, HNO3 को हीट अप करेंगे तो NO2 की ब्राउन फ्यूम्स आएंगे, दैट इज प्रिलिमिनरी टेस्ट। कंफर्मेटरी टेस्ट में कॉपर टर्निंग्स डालेंगे, कॉपर टर्निंग्स से वही NO3- है, NO3- जब कॉपर से रिएक्ट करेगा कॉपर नाइट्रेट और प्लस NO2 रेडॉक्स रिएक्शन है, ध्यान दीजिए कॉपर से कॉपर 2+ बन रहा है, इसलिए एक और NO2 रिलीज हो रहा है। इसके आगे इसीलिए मैंने आगे लिखा भी हुआ है इंटेंसिफाइज ब्राउन फ्यूम्स, NO2 और ज्यादा निकाल रहा है ना, तो ब्राउन फ्यूम्स को और ज्यादा इंटेंसिफाई कर देंगी कॉपर टर्निंग। फर्स्ट कंफर्मेटरी ब्राउन रिंग टेस्ट अभी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, अगेन इंपॉर्टेंट टेस्ट। जिंक एल्यूमिनियम लॉब्लिगन है जो आपके पास कभी भी आता है तो इसका मतलब क्या होता है, ये रिएक्ट करके सोडियम जिंकेट और नेसेंट हाइड्रोजन देता है, नेसेंट हाइड्रोजन मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, इमीडिएटली नाइट्रेट आयन 8H के साथ में रिएक्ट करेगा, अमोनियम रिड्यूस कर देगा, सीधे जाकर के लास्ट स्टेज +5 से -3 में ले आया स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट अमोनियम को आगे आप वैसे तो अपनी कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर से पता चल जाता है अमोनियम तीखी सी स्मेल आ जाती है, बट स्टिल सल्फ्यूरिक एसिड आपके पास है अभी भी साथ में ही अमोनियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी आ जाएगा यहाँ पे, दिस विल बी व्हाइट पीपीटी। अच्छा, यहाँ पे एक और बड़ी काम की चीज है, दैट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इसके साथ में Ag2SO4 जरूर डाल दीजिए। Ag2SO4 डालने का पर्पज ये है कि यहाँ पे साइनाइड आयन या CNO- की अगर कोई भी ट्रेसेस आपके पास में होती है तो ये भी नेसेंट एच के साथ रिएक्ट करके अमोनिया दे सकते हैं, तो Ag2SO4 पहले इनको अलग से रिमूव करके ले जाएगा, तो बेटर टू गिव Ag2SO4, वहाँ पे वो AgCN के PBT बना देगा, उसको आप फिल्टर ऑफ कर लेंगे, AgNO3 तो वैसे भी सोल्यूबल होता ही है। अमोनियम क्लोराइड, अच्छा अमोनियम क्लोराइड और Ag+ के जो टेस्ट है डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है बिटवीन NO2- एंड NO3-। अब देखिए कैसे NH4Cl से NH4NO3 बनेगा, NH4NO3 को आप यहाँ पे हीट अप करेंगे तो N2O बनता है लाफिंग गैस, याद कीजिए अगर यहाँ पे NO2- होता तो यहाँ पे N2O नहीं बनता, N2 बनता, नॉन कम्बस्टेबल गैस। एवरेज आउट करना बताया था ना मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट्स को, यहाँ पे +5 -3 को एवरेज आउट करके +1 लेकर के आए आप, 5 -3 = 2/2 +1, और वहां पे NH4NO2 अगर बनता तो NH4NO2 में +3 -3 जीरो हो जाता है, यहाँ पे नाइट्रोजन गैस प्रोड्यूस होती, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बिटवीन NO2- एंड NO3-। बहुत अच्छा डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट नहीं है, इसके ऊपर डिस्प्यूट्स हैं कुछ है, वो ये हैं कि अगर दोनों साथ में होंगे, मान लो मिक्सचर है NO2- और NO3- का, NH4NO2 बन जाएगा, NH4NO3 बन जाएगा, जैसे ही वो डीकम्पोज होंगे तो उस केस में बेसिकली दोनों ही डीकम्पोज हो जाएंगे हीटिंग करने पे, दोनों के अंदर वो या तो टेम्परेचर डिफरेंस आपको बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होता अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम नाइट्राइट के डीकम्पोजिशन में, पॉइंट इज दैट कि वो एक डीकम्पोज हो और आइदर N2 और या फिर N2 मिले, तो टेम्परेचर डिफरेंस को आपको बहुत केयरफुली मेजर करना पड़ता है, अदरवाइज ये टेस्ट फेल हो जाता है, तो बहुत अच्छा डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट नहीं है, बट एक्यूरेट लेवल पे अगर प्रिसाइज लेवल पे देखेंगे वो डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है, कोई टेम्परेचर कंट्रोल करके आप उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं उनके डीकम्पोजिशन टेम्परेचर के हिसाब से। Ag+ काफी अच्छा डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है, अगर NO3- से रिएक्ट कर रहा है AgNO3 सॉल्युबल बनेगा, अगर यही NO2- होता तो AgNO2 का व्हाइट PPT आ जाता, ये एक्चुअली एक बेटर डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है। लॉजिक समझ में आया आप, क्लियर, ये रब कर रहा हूँ मैं। नाउ लेट मी डिस्कस ब्राउन रिंग टेस्ट आफ्टर दिस।